हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की बुक का फोर्थ चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आइकन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं टूर कमेंट्री संरचना और सामग्री, माइक्रोफोन तकनीक, हास्य की भावना, अजीब सवालों से कैसे निपटे, समय और संकेत, क्षमा और विराम, दृश्य से कमेंट्री का जोड़ना। उत्तर है टूर कमेंट्री। कमेंट्री स्थान, उत्पाद, आकर्षण, घटनाओं, संबंधित कहानियों, तिथियों और आंकड़ों आदि के बारे में जानकारी का आदान प्रदान है। कमेंट्री का प्रभाव होना चाहिए टूर गाइड से दर्शकों तक जानकारी, जिसमें टिप्पणी सकारात्मक स्वर में होनी चाहिए। संरचना, परिचय, अपना नाम, समूह का नाम और यात्रा कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दें। मुख्य भाग, अपनी टिप्पणी को विषयों या वर्गों में व्यवस्थित करें, प्रत्येक विषय पर संक्षिप्त और सटीक जानकारी प्रदान करें। नेक्स्ट है निष्कर्ष, यात्रा के लिए धन्यवाद और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की पेशकश करें। नेक्स्ट है सामग्री, सटीकता, सुनिश्चित करें कि आप जो जानकारी प्रदान कर रहे हैं वह सटीक और सही है। दिलचस्प, अपनी टिप्पणी को दिलचस्प और आकर्षण बनाने के लिए कहानियों, किस्सों और उपख्यानों का उपयोग करें। नेक्स्ट है संबंधित, अपनी टिप्पणी को पर्यटकों द्वारा देखी जाने वाली जगहों और गतिविधियों से संबंधित रखें। नेक्स्ट है उपयुक्त, अपनी टिप्पणी को दर्शकों की उम्र, रुचि और ज्ञान के स्तर के अनुरूप बनाएं। नेक्स्ट है प्रस्तुति, आवाज़, स्पष्ट, आत्मविश्वासपूर्ण और उत्साही आवाज़ में बोलें। नेक्स्ट है गति, एक माध्यम गति से बोलें और सुनिश्चित करें कि आप अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है भाषा, सरल भाषा का उपयोग करें और जटिल शब्द जाल से बचें। नेक्स्ट है शरीर की भाषा, आंखों से संपर्क बनाए रखें, मुस्कुराए और खुले हाथों के इशारों का उपयोग करें। नेक्स्ट है उपकरण, माइक्रोफोन और अन्य उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। नेक्स्ट है माइक्रोफोन तकनीक, माइक्रोफोन दूरी, माइक्रोफोन से बहुत दूर या बहुत करीब ना खड़े हो। माइक्रोफोन कोण, माइक्रोफोन को सीधे अपने मुंह की ओर इग्गत करें। माइक्रोफोन संभालना, माइक्रोफोन को खींचे या घुमाए नहीं। हास्य की भावना, उपयुक्त, हास्य का उपयोग उचित तरीके से करें और सुनिश्चित करें कि यह आपत्तिजनक या आक्रामक ना हो। समय, हास्य का उपयोग सही समय पर करें और इसे अपनी टिप्पणी के प्रवाह को बाधित ना करने दें। प्रकार, हास्य का ऐसा प्रकार चुनें जो आपके दर्शकों के लिए उपयुक्त हो। अजीब सवालों से कैसे निपटे, शांत रहे, शांत और पेशेवर रहे, भले ही सवाल अजीब या अप्रिय हो। नेक्स्ट है उत्तर दें, यदि आप सवाल का जवाब जानते हैं तो इसका उत्तर दें, यदि आप नहीं जानते हैं तो विनम्रता से कहें कि आप इसका पता लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है विचलित करें, यदि सवाल अनुचित है तो विषयों को बदलने या किसी अन्य प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। समय और संकेत, समय का ध्यान रखें, अपनी टिप्पणी को समय के अनुसार रखें और सुनिश्चित करें कि आप यात्रा कार्यक्रम से पीछे ना हटें। नेक्स्ट है संकेतों का उपयोग करें, समूह के सदस्यों या गाइड से संकेतों का उपयोग करें ताकि आपको पता चल सके कि कब बोलना शुरू करना है और कब रुकना है। क्षमा और विराम, क्षमा, यदि आप कोई गलती करते हैं तो विनम्रता से क्षमा मांगे। विराम, अपनी टिप्पणी में प्राकृतिक विराम ले ताकि पर्यटक जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे समझ और सराह सके। नेक्स्ट है पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करें, अपनी टिप्पणी को उस दृश्य से जोड़ने के लिए इशारों, चेहरों के भावों और शरीर की भाषा का उपयोग करें जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्णात्मक बने, दृश्य के विवरण प्रदान करें जिसमें रंग, आकार, बनावट और ध्वनियाँ शामिल है। नेक्स्ट है कहानियाँ बताएं,
दृश्य से संबंधित कहानियाँ या किस्से बताएं। नेक्स्ट है प्रश्नों का उपयोग, पर्यटकों को दृश्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रश्न पूछें। नेक्स्ट है पहले से तैयारी करें, अपनी यात्रा से पहले अपनी टिप्पणी पर शोध और अभ्यास करें। नेक्स्ट है अपने दर्शकों को जानें, अपनी टिप्पणी को अपने दर्शकों की उम्र, रुचि और ज्ञान के स्तर के अनुरूप बनाएं। उत्साही रहें, अपने टिप्पणी में उत्साह और ऊर्जा दिखाएं। मजे करें, टूर कमेंट्री देने का आनंद लें। टूर कमेंट्री एक कला है जिसे अभ्यास और अनुभव के साथ विकसित किया जा सकता है। इन उक्तियों का पालन करके आप एक प्रभावी टूर गाइड बन सकते हैं जो पर्यटकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। सो बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू बच्चों।